अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यू हैव ऑलरेडी वेयर फ्यूचर परफेक्ट इट्स बिफोर, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द टेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिस इज अफर्मेटिव। तो हम सबसे पहले पहचान जान लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हिंदी में क्या पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा इसके साथ समय भी दिया रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। मींस वह दो दिन से खाना खा रहा होगा, समय भी दिया है, वह सोमवार से गीत गा रहा होगा, तुम दो दिन से पत्र लिख रहे होंगे, ऐसे जो शब्द आएंगे ऐसे वाक्य के साथ हम कह सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, समय भी दिया रहे और अंत में आ होगा, रही होगी, रहे होंगे आगे से शब्द। इसका हम पहला शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, बात को स्वीकारा जाए ऐसे सेंटेंसेस, जैसे वह दो दिन से खाना खा रहा होगा, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। तो उसके रूल क्या है, आई बी कर्ता था सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब में सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं और बाकी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। रूल में बता दिया है केवल आई और बी के साथ, जिसके साथ हम शैल का प्रयोग करते थे, शैल हैव का प्रयोग करते थे, आज हम आई बी के साथ क्या लगाएंगे, थोड़ा सा बीन लगा देंगे, शैल हैव बीन, क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस बात को आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे नंबर पे रूल है कि मुख्य क्रिया की थर्ड पार्ट में आईएनजी जोड़ देते हैं, हर कंटीन्यूअस में आईएनजी जुड़ता ही है, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, सभी कंटीन्यूअस के साथ, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस, मींस कंटीन्यूअस शब्द आ गया तो उसके साथ हम आईएनजी जरूर जोड़ते हैं, ये हम ध्यान दिए। तीसरे नंबर पे हमारा है निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित अनिश्चित के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि आपको बताया गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित के लिए फार, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कौन सा सब्जेक्ट के लिए निश्चित होगा, कौन सा अनिश्चित, कौन सा समय निश्चित है, कौन सा अनिश्चित है, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको, ये आपको रूल समझ में आ गया होगा। अब हम इसका रूल लिखते हैं कि ट्रांसलेट करने का रूल क्या होता है और इसको मैं इरेज करने वाला हूँ। कि रूल हमारा जो बनेगा ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, उसके रूल आपके सामने आ रहा है कि सब्जेक्ट हम लिखेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम आपको एक सेंटेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू आप यूज करोगे रूल को कैसे करेंगे। जैसे लिख दिया जाए वह एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एग्जाम्पल वह दो दिन से मैदान में खेल रहा होगा। ये आपका सेंटेंस हो गया, दो दिन से मैदान में खेल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे रूल के अकॉर्डिंग टू रूल, पहले क्या बोला है सब्जेक्ट हम लिखेंगे, ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारा सब्जेक्ट जो होगा वह होगा वह लड़का है, तो हम ही का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, आप जानते हो कि विल का प्रयोग किसके साथ होता है और शैल का प्रयोग, तो वह के साथ विल का प्रयोग होगा, हम लिख सकते हैं ही विल हैव बीन। ऑलरेडी जान चुके हो, जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं ध्यान दे रहे हैं टेंस पर। अब ये टेंस आज समाप्ति की तरफ विल हैव बीन प्लस, अब ये तो नहीं लगाना है क्योंकि ये
आईएनजी के साथ क्यों लगता है। अब हम आईएनजी जोड़ेंगे, किसमें जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, खेल रहा होगा तो क्या हो गया, प्लेइंग हो गया, प्ले में आईएनजी मैंने जोड़ दिया, प्लेइंग। कितने दिन से प्लेइंग, वह दो दिन से मैदान में खेल रहा होगा, तो यहाँ पर मैदान में उसके पहले दिन से, तो इन द ही विल हैव बीन प्लेइंग इन द, क्या लिखोगे, इन द फील्ड, या भाई है फील्ड, कितने दिन से, दो दिन से, तो यहाँ पर लिख सकते हो फॉर टू डे, ये आपका सेंटेंस हुआ कि वह दो दिन से मैदान में खेल रहा होगा, he will have been playing in the field for two days, ये इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको पढ़ाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है ये ध्यान देने की जरूरत है आपको। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस ये आपका हो गया नकारात्मक वाक्य, इसको हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ध्यान देने की जरूरत। रूल क्या होगा, रूल ऑलरेडी जानते ही होंगे, सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, अब इसमें विल और शैल आ गए, शैल का प्रयोग किए, प्लस हम निगेटिव है तो हम लगाएंगे क्या, नॉट का प्रयोग करेंगे, अब इसके बाद हैव बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव बीन, ऑलरेडी आपको समझने की जरूरत है, ये इस पर ज्यादा करके फोकस आपको रखना होगा, आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। विल विल या शैल यहाँ पर आने के पहले लिखोगे, विल का प्रयोग करोगे कि शैल का, प्लस नॉट लगाओगे, फिर हैव बीन सभी के साथ होता है तो हैव बीन हम लगा देंगे, प्लस आई एन जी का प्रयोग करेंगे, क्या लगाएंगे, आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, समय क्या है, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर निश्चित निश्चित के लिए, प्लस हम टाइम का प्रयोग करते हैं, ये आपका रूल बन गया। अब हम सेंटेंस ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, बहुत सारे एग्जांपल आप अपने मन से कर सकते हो, मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, जैसे लिख दिया गया मैं सोमवार से, मैं सोमवार से खाना नहीं पका रहा हूंगा, ऐसे सेंटेंस आपको मिल गया, इसमें नहीं शब्द आ गया, निगेटिव सेंटेंस है तो नहीं शब्द आ गया, तो मैं सोमवार से खाना नहीं पका रहा हूंगा, आपके रूल रिगार्डिंग टू रूल यू यूज क्या कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब या शैल नॉट हैव बीन आईएनजी, तो यहां पर लिख सकते हो आई, अब यहां पर क्या लिखोगे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, देख लो यहां पर विल लगेगा कि शैल, आई के साथ क्या लगता है, शैल, अब इसके बाद आपको रूल में मिलेगा नॉट लगाएंगे, हम नॉट लगा दिए, प्लस हैव बीन का प्रयोग, आई शैल नॉट हैव बीन, क्या लिखोगे, आई शैल नॉट हैव बीन, अब ing का प्रयोग क्या, किसके साथ, पका रहा हूंगा, कुकिंग, क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing कुकिंग कर दिया मैंने, कुकिंग क्या, कुकिंग आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, फूड, कुकिंग फूड, प्लस क्या लिखोगे, प्लस आप लिखोगे सोमवार से, टाइम है, सिंस लगाओगे, विफान लगाओगे, आप सिंस लगाओगे, फूड सिंस मंडे, आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया, और बहुत सारे सेंटेंस आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं इंटरगेटिव सेंटेंस पर, इंटरगेटिव पर ध्यान दीजिए, कैसे इंटरगेटिव होगा, किस हिसाब से होगा, बेटा देखो आपका अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव हो गया, अब हमको पढ़ाना क्या है, इंटरगेटिव सेंटेंस, अब हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे है, और लाइक सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, थैंक यू।